गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन और नॉट? यस, यू आर ऑलवेज फाइन, है ना? आप हमेशा खुश होते हो, फाइन ही होते हो. यस यस, वेरी गुड, हमेशा फाइन ही होना चाहिए. आपको ये मैरी गोल्ड की बुक निकालना है, इंग्लिश मैरी गोल्ड बुक निकालो. उसमें आज हम यूनिट नंबर 10 चैप्टर 2 लास्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट ख़त्म करने वाले हैं. ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पर ये यूनिट नंबर 10 का चैप्टर नंबर 2 क्या है, चैप्टर नंबर 2 का नाम चलो बताओ मेरे को. हाँ, क्या है? द टेलर एंड हिज फ्रेंड. टेलर मतलब जो हमारे कपड़े सिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेलर. एंड हिज फ्रेंड मतलब उसके टेलर के दोस्त. टेलर के दोस्त कौन है इस चैप्टर में? आपको ये कहानी सुननी है ना? यस, तो आप भी आप अपने घर पर ये पहले बुक निकालो, ये पेज नंबर 115 यहाँ पर उंगलियाँ रखो जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, तभी मैं स्टोरी ये सुनाऊँगी, वरना नहीं. जब भी स्कूल पर आना होगा तो आपको ये चैप्टर सभी रीड्स करने होंगे. ठीक है, तो चलो मैं रीड्स करना शुरू कर देती हूँ और एक्सप्लेन आपको कहानी है सुनाती हूँ. द टेलर एंड हिज फ्रेंड. कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर. जो ये कपड़े सिलने वाला आदमी है टेलर, टेलर का नाम क्या है? कालू. क्या नाम है? कालू. कालू भाई नाम है टेलर का. और उसकी दुकान कहाँ पर थी? नदी के किनारे पर थी. ही मेड कलरफुल पेंट्स. वो क्या बनाता था? कलरफुल पेंट्स बनाता था, रंग बिरंगी पेंट. ग्रीन कलर का पेंट, ब्लू, येलो का पेंट, सभी कलरफुल पेंट बनाता था. एंड अ शर्ट. और शर्ट्स फॉर छोटे छोटे बच्चों के लिए वो क्या करता था? पेंट और शर्ट कलरफुल सिलता था. अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड. ये जो अप्पू है, एलिफेंट का नाम इस स्टोरी में क्या है? अप्पू. और ये टेलर का नाम क्या है? कालू. तो जो ये अप्पू है वो कालू का दोस्त है. अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे. कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट. अप्पू ये जो हाथी है वो हर रोज कालू की दुकान पे आता था और कालू उसको अच्छे अच्छे थिंग्स खाने के लिए देते थे, क्योंकि अप्पू तो खाने के लिए चाहिए ना, क्योंकि मोटा है. हाथी कैसा होता है? मोटा. तो उसको खाने के लिए तो कुछ भी चाहिए क्या? नहीं चाहिए. चाहिए. तो ये जो कालू है ना वो क्या करता था? हर रोज जो अप्पू दुकान पे आता था तो उसको अच्छी अच्छी तरह से मिठाई खिलाते थे. फिर क्या हुआ? कालू गेव हिम अ मैनी नाइस थिंग्स टू ईट. वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक. एक दिन कालू को गेम खेलना था. गेम का नाम क्या था? ट्रिक. क्या खेलना था? ट्रिक खेलना था. ही डिड नॉट गिव अप्पू एनी थिंग टू ईट. उस दिन कालू ने कुछ भी अप्पू को खाने के लिए नहीं दिया. इस टेलर ने अप्पू को कुछ खाने के लिए नहीं दिया. ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टेंट एंड प्रिक्ड अप्पू ट्रंक. उसने क्या किया? अपने डब्बे में से सोई निकाली और सोई अप्पू के सूंड पे ऐसे प्रिक किया, मतलब उसको चुंबी. फिर क्या हुआ? अप्पू रन अवे इन पेन. अप्पू को दर्द हुआ और वो वहाँ से चला गया. अप्पू को क्या हुआ बच्चों? उसको दर्द हुआ और वो वहाँ से चला गया. दर्द होता है ना, कभी भी आपको कोई भी सोई या कुछ लगता है तो आपको भी दर्द होता है. यस और नो? यस. तो ये तो कालू ने गलत किया अप्पू के साथ, उसको ऐसे सुई मारना नहीं चाहिए. फिर आप अपना पेज टर्न करो, पेज टर्न करो. अभी अप्पू ने क्या सबक सिखाया कालू को, अभी हम देखते हैं. द टू डेज लेटर अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विथ वाटर. एक दिन क्या किया अप्पू ने? नदी के किनारे पे पानी भर लिया अपनी सूंड में और वो फिर कालू के दुकान पे गया. फिर कालू के दुकान पे जाकर उसने क्या किया? ही रीच्ड कालूज शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर. ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकम अ वेट. क्या हुआ? वो अप्पू की दुकान, कालू की दुकान पे जाकर कालू के ऊपर उसने
सूंड में से फुवारा किया। कालू भी भीग गया, सभी कपड़े जो नए नए उसने सिले थे वो भी भीग गए। आप देखो यहाँ पर जो सभी कपड़े हैं वो भी पिघल गए, कालू भी भीग गया। तो क्या होता है कि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो भी हमारे साथ बुरा ही करते हैं। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अपू शूक हिज ट्रंक एंड सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स कालू से आई एम सॉरी अपू लेट्स बी अ फ्रेंड अगेन। कालू को अभी पता चल गया कि किसी के साथ हमें बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ हम बुरा करते हैं तो वो भी हमारे साथ बुरा ही व्यवहार करते हैं। तो आप भी बच्चों इस कहानी में से आपको क्या सीखने को मिलता है, किसी के साथ झगड़ो नहीं, और जब भी आप झगड़ते हो तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ झगड़ेगा ही, तो कभी भी झगड़ना नहीं। पर क्या सीखोगे कि बात को सुलझाने का तरीका सीखो, कि कोई भी बात बिगड़ जाती है तो उसको कैसे तरह किस तरह आप सुलझाते हो। येस और नो, ओके। अभी आप कभी भी झगड़ोगे नहीं, ठीक है, किसी को हर्ट नहीं करोगे, किसी को मारोगे नहीं, वरना क्या होगा, जैसे कालू की हालत है वैसी आपकी भी हालत होगी, आप भी कालू ही बन जाओगे। ओके, तो आप अभी नहीं करोगे ना कोई भी बार। गुड बॉय गुड गर्ल्स आर देयर इन माई क्लास, यस वेरी गुड। कालू एंड अपू बिकम अ गुड फ्रेंड्स। कालू एंड अपू अभी को क्या बन गए, अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि कालू को अभी पता चल गया कि अब मैं कि कभी भी इसको परेशान नहीं करूँगा, ठीक है। फिर आपको पेज नंबर 118 निकालना है, पेज नंबर 118। ये जो सभी वर्ड्स हैं वो आपको रीड करने हैं, अच्छी तरह से लर्न करने हैं, जोर जोर से घर में आपको बोलना है। फिर जो नीचे की एक्सरसाइज दी है उसमें क्या है, पिक आउट द ओड वन आउट, जो ओड है वो आपको उस पर सर्कल करना है। तो यहाँ पर सभी फ्रूट्स है, ये एनिमल है तो उसके ऊपर आप सर्कल करोगे, ठीक है। फिर क्या है, तो ये संडे मंडे फ्राइडे ये सभी वीक के नेम है, ये वीक का नेम नहीं है तो इसके ऊपर सर्कल करो। ये है डॉग, फिर यहाँ मार्च में अप्रैल, ये सभी मंथ के नेम है, ये मंथ नहीं है तो उसके ऊपर सर्कल। ये बस, ये शिप, ये एरोप्लेन, ये सभी व्हीकल्स हैं, ये मिल्क है वो व्हीकल नहीं है तो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर क्या है, बुक इरेजर पेंसिल, ये सभी आपकी स्टेशनरी की चीज़ है, स्कूल की चीज़ है, ये आप ग्लास स्कूल पे लेकर जाते हो नहीं तो ओड वन आउट है तो उसके ऊपर सर्कल करो। फिर ये फिग फ्लावर टोमेटो एंड कैरेट, तो ये सभी वेजिटेबल्स ही, ये वेजिटेबल नहीं है तो उसके ऊपर सर्कल करो। डॉक्टर पोस्टमैन टेलर, ये सभी क्या है, हेल्पर्स है, ये हेल्पर नहीं है तो इसके ऊपर सर्कल करोगे। ओके, समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया ना, ओके गुड गर्ल गुड बॉय वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो ऐसे हमारा कोर्स इंग्लिश का अभी एक्सप्लेनेशन में पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी हम इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स देखेंगे। क्या देखोगे, हार्ड वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स आपको लर्न करना है ना इस चैप्टर के। ओके, तो आपको इस चैप्टर को क्या करना है, आपको रीड करना है अच्छी तरह से घर पर। ये जो अप्पू और कालू की जो स्टोरी है वो आपको बड़ों को सुनानी है कि कैसे ये बर्ताव कालू ने और अप्पू ने किया था, और आपको इससे क्या सीखना है कि कभी भी आप भी ऐसा नहीं बर्ताव करोगे किसी के साथ। अभी मैं इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स लर्न करवाने जा रही हूँ, आपको हार्ड वर्ड्स लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हार्ड वर्ड्स है, इस यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट हार्ड वर्ड है वो क्या है वो मैं आपको लर्न करना सिखाती हूँ। टी ए आई एल ओ आर टेलर, टी ए आई, टी ए आई एल ओ आर टेलर। एस एच ओ पी शॉप, एस एच ओ पी शॉप। C O L O U R F U L colorful, C O L O U R F U L colorful. P A N T S pant,
PANTS पैंट, SHIRTS शर्ट्स, SHIRTS शर्ट्स। फिर नंबर सिक्स पे क्या है, CHILDREN चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन। APPU अप्पू, APPU अप्पू। ELEPHANT elephant, ELEPHANT elephant। EVERYDAY everyday, EVERYDAY everyday। GAVE gave TRICK trick, TRICK trick। NEEDLE needle, NEEDLE needle। INSTEAD instant, PRICKED print। TRUNK trunk, PAN pain। LATER letter, FILLED filled। RACHD ridged, RACHD ridged। THREW through, CLOTHES clothes, NEW new, SHOOK shook, FORGETS forgot, NEVER never, SORRY sorry, AGAIN again, AGAIN again। GOGOOD good, GOOD good। तो ये जो यूनिट नंबर 10 चैप्टर नंबर 2 के जो है एलिफेंट्स और अप्पू की कहानी के जो चैप्टर का हार्ड वर्ड्स है वो आपको अपनी CW में वन टाइम लिखना है। कौन सी बुक में, CW 4 लाइन की आपकी जो नोटबुक है ना छोटी इंग्लिश की, वर्कबुक नहीं, आपको नोटबुक में ये हार्ड वर्ड्स लिखना है। ओके, थैंक यू।